क्या आपने कभी टोलोसा के शापित सोने और उसके रहस्यमय किस्से के बारे में सुना है? चलो करीब 2000 वर्ष पहले की ओर चलते हैं, एक फ्रांस के शहर में जिसे टोलोसा कहा जाता था, जो अब टूलूज कहलाता है। ये शहर गॉल योद्धाओं की एक जनजाति द्वारा बसाया गया था। इतिहास के अनुसार इन गोलों ने ईसा के जन्म से लगभग 300 वर्ष पहले केंद्रीय ग्रीस और मैसेडोनिया में जीत हासिल की थी। थमोपिली के युद्ध में उनकी जीत ने सोने और मूल्यवान रत्नों का खजाना दिलाया। यह कोई साधारण सोना नहीं था, यह था टोलोसा का सोना और इसके साथ एक श्राप भी आया। इस विशाल धन के साथ उनका गृह वापसी का सफर एक अप्रत्याशित मुलाकात से कलंकित हुआ था। रोमन, जो ने गोलों के नए धन के बारे में सुना था, उसे बड़े उत्साह से लूटने के लिए बेताब थे। गोल अपने युद्धों से थके हुए रोमनों के सामने टिकने के लिए उपयुक्त नहीं थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक धन को लूटा। क्विंटस सर्विलियस कैपियो इस रोमन सैन्य के नेता थे। कहा जाता है कि कैपियो ने गोलों से लगभग 50,000 सोने की बार प्रत्येक 6 किलो के वजन में और 10,000 सोने के सिक्के लूटे थे। लेकिन उनकी जीत छोटी रही क्योंकि उन्होंने तेजी से एक अन्य रोमन सामने मैलियस मैक्सिमस के साथ विरोध में खुद को पाया। केपियो एक श्रेष्ठ रोमन परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें मैक्सिमस, जो एक न्यूनतम वर्ग के परिवार से थे, साथी मानते नहीं थे। मैक्सिमस के साथ एक ही शिविर में रुकने का इनकार करते हुए केपियो ने उसके खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। अब जर्मन जनजाति चेरुकी इस विरोध का लाभ उठाए और केपियो और मैक्सिमस के अलग अलग शिविरों पर हमला किया। दोनों पक्षों पर कई सैनिकों की मौत हो गई। कहा जाता है कि इस झड़प में लगभग 80,000 लोगों की जाने गई। इस हार के बाद अपमानित और हृदय विदीर्ण कैपियो रोम लौट आया, केवल युद्ध के मैदान पर अपने कार्यों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए। दोषी पाए जाने पर उसे अपने नागरिकता से वंचित कर दिया गया और रोम से निर्वासित कर दिया गया। स्किपियो ने शापित खजाने को अपने परिवार को दे दिया और फिर रोम से एशिया की ओर चला गया। जैसे ही कैपियो ने एशिया में अपने दिन गुजारे, सोने का श्राप खत्म होने से अभी बहुत दूर था। उसका पोता, एक होनहार युवा सैनिक, युद्ध के मैदान में असामयिक अंत को प्राप्त हुआ। मानो सोने ने एक और अभिशाप फेंक दिया हो। लेकिन श्राप वहीं नहीं रुका। याद रखें मार्कस जूनियस ब्रूटस, स्किपियन के पोते का भतीजा, उसने रोमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रूटस, जिसे विश्वासघात का हत्यारा के रूप में जाना जाता है, वो रोमन सम्राट जूलियस सीजर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। विश्वासघात के इस कृत्य के कारण रोमन गणराज्य का ही पतन हो गया। क्या यह महज इत्तेफाक था या टोलोसा के सोने का श्राप अपना नरिशंस कार्य जारी रखे हुए था? कैपियो के वंशज अपने धन दौलत और ताकत के बावजूद लगता था दुखदायी घटनाओं और पतन के एक दुष्चक्र में फंसे हुए थे। ऐसा लगता था टोलोसा के सोने का श्राप बहुत दूर तक पहुंचता था और इसलिए टोलोसा के शापित सोने का रहस्य आज भी कायम है। ये दंतकथात्मक खजाना, जिसे क्विंटस सर्विलियस स्किपियो ने गोलों से लूटा था, इतिहास के पन्नों में गायब हो गया है। इसका सही स्थान समय के साथ खो गया है। कुछ अटकलें लगाते हैं कि यह रोम के दिल में छिपा हुआ है, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि इसे स्किपियो ने खुद ही एशिया की भूमि पर बिखेर दिया था। सच्चाई फिसलन रहती है, फिर भी अभिशाप की केवदंती बनी रहती है।